जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल ट्रेडिशनल के साथ। आज की मेरी रेसिपी है बन्नो पुलाव की। और मैंने लिया है ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, और साथ ही मैंने लिया है 1 पाव प्याज। और इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। 1 kg राइस है, इसमें प्याज ज्यादा जाएगा। 1 प्याज को हम करेंगे ब्राउन। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून। ये सब की अलग अलग रेसिपी है बन्नों की, बन्नो पुलाव की, और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी है। प्याज हो गया हमारा डार्क ब्राउन, ये देखें इस तरह से मैंने डार्क कर लिया। अब इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और साथ ही गार्लिक जिंजर की पेस्ट ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून। अब इसे भी भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। प्याज को गलाने के लिए इसमें 2 टीस्पून साल्ट के ऐड करूंगी, और साथ ही 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही मैंने इमली का पानी लिया है 1 कप, स्मॉल साइज का, वो इसमें ऐड करूंगी। अब इसे कवर करेंगे 2-3 मिनट के लिए। और 1 पाव मैंने टमाटो लिए थे, वो इस तरह से मैंने कट कर लिए स्लाइस में, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे हमने 15-20 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। आठ सौ ग्राम मैंने बोनलेस मटन लिया है, और वो भी इसी में ऐड करूंगी, और साथ ही 1 कप पानी का ऐड कर देंगे, और 15 से 20 मिनट तक इसे गलाएंगे, 20-25 मिनट के लिए। मैंने अलग से उबाइल नहीं किया, आप चाहे तो अलग से भी उबाइल कर सकते हैं गोश्त को, मटन को, बीफ को।
एक कप मैंने गर्म पानी का ऐड कर दिया इसमें। अब इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। मटर हमारा हो गया रेडी। मैंने 20 से 25 मिनट लगवाए हैं इसे। तो सारे मसाले इसमें मेल्ट हो गए हैं। अब इसे थोड़ा भून लेंगे फुल फ्लेम के ऊपर। गोश्त हमारा भून गया। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप राइस है और 3 कप मैं पानी ऐड करूंगी। पानी आप गरम ऐड करें। पानी को आ गया उबाइल। अब इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल लिए थे मैंने टिल्डा और 1 आवर पहले भुगो के मैंने रख दिए हुए थे। इसको बड़े आराम से हिलाएंगे। हम मिक्स कर लेंगे मटन को और चावलों को। अब लगाएंगे दम। देखा कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका माशाल्लाह से। प्याज का कलर आप थोड़ा डार्क ब्राउन करें फिर ही इसका कलर अच्छा लगेगा। चावल अब इसे करेंगे कवर और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। फिर बाद में दम लगाएंगे। और साथ ही मैंने साबुत मिर्चें ली है ग्रीन, वो इसमें ऐड कर दी है। मसाले कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब चावल हो गए हमारे तैयार। अब इसे लगाएंगे हम दम चावलों को। अब इसे 15-20 मिनट हम दम पे रखेंगे। अब लगाते हैं दम। अब करते हैं इसे कटारी को बंद। चावलों को लग गया था दम। अब इसे उठाएंगे हम दम को। अब इसे करेंगे डिश आउट। और ये देखें एक एक दाना इसका अलग है। जूसी जूसी राइस बने हैं ये देखें इस तरह से। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। और ये रही फाइनल लुक बन्नो पुलाव की रेसिपी की। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।